वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे सैमसंग फ़ोन के कुछ हिडन फीचर्स। अगर आप सैमसंग फ़ोन सेकेंड हैंड खरीदते हैं या फिर न्यू भी बाई करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप पूरे के पूरा फ़ोन भी चेक कर लें और आपको कोई ज़्यादा दिक्कत भी ना आए। यहाँ पे जैसा कि आप एक फ़ोन देख रहे हैं गाइज, ये है सैमसंग J7 Duo। इसे मैंने एक परचेज़ करा है आज ही, और आज ये सेकेंड हैंड मैंने परचेज़ करा। इसे मैंने 6,000 रुपये में परचेज़ करा। अब मैंने इसे चेक कैसे करते हैं उसके बारे में अब मैं बता देता हूँ। चूँकि दोस्तों मैं इस चेक करने जानता था और सैमसंग के फ़ोन में ही ये फ़ीचर्स दिया जाता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। कोई सा भी फ़ोन में आपको ये फ़ीचर्स नहीं मिलेगा दूसरे कंपनी के अगर आप लेते हैं तो। ओनली फॉर सैमसंग फ़ोन में इस तरह का फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम डायलर में जाते हैं। यहाँ पे मैं डायलर में जाऊँगा और डायलर में यहाँ पे डायल करूँगा *#0*#। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाता है। यहाँ पे देखिए आपका है स्क्रीन चेकिंग से रिलेटेड, सेंसर चेक है, टॉर्च चेक है, फ्रंट का कैमरा चेक है और बहुत सारे चेकिंग है। मैं आपको कुछ कुछ चेक करके बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ रेड में क्लिक करता हूँ गाइस, ये जो मेरा स्क्रीन है ये पूरा का पूरा रेड हो गया है। तो ये जो स्क्रीन है अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि कहीं पे मेरे स्क्रीन में दाग वगैरह तो नहीं है। इस तरह से मैं स्क्रीन को चेक कर सकता हूँ। इसे बैक कर देते हैं। अब यहाँ इसी तरह के और भी कलर हैं, जैसे ग्रीन है, ठीक है, यहाँ पे और भी कलर है, ब्लू है। ब्लू के अलावा यहाँ पे और भी है, जैसे कि रिसीवर है। यहाँ पे गाइस देखिए कोई भी चीज़ जैसे कि वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन यहाँ पे फील कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसे बैक कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे टॉर्च है, टच है। तो यहाँ पे देखिए टच में क्या करना है आपको, अगर डिस्प्ले अगर कहीं से प्रॉब्लम है तो इसे में आपको पता चल जाएगा। आप चारों कोना से इसे चेक करके देख लीजिए, अगर कहीं से डिस्प्ले फॉल्ट होगा तो इसमें आपको पता चल जाएगा आसानी से। इसे आपको पूरा का पूरा फिलअप करना होता है तभी ये हटेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसे बैक कर देते हैं। ये पूरा का पूरा फिलअप हो गया, इस जगह पे छूट गया था। अब यहाँ पे दोस्तों जैसा कि हम लोग देख लेते हैं, जैसे फ्रंट का कैमरा, तो फ्रंट के कैमरे में टच करेंगे तो यहाँ मेरा फ्रंट का कैमरा जो है ओपन हो गया। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ से बैक कर लेते हैं। ये तो फ्रंट का कैमरा चेक हो गया और इसके बाद इसे बैक करते हैं। अब स्पीकर, यहाँ से आप स्पीकर चेक कर सकते हो। देखिए मैं थोड़ा साउंड बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ से गाइस स्पीकर भी चेक हो गया। अब यहाँ से आप जो है यहाँ के साउंड को देख सकते हो कि कितना साउंड जो है ये निकाल के देता है। तो यहाँ से साउंड भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से बैक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ सेंसर आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये सेंसर जो है मेरा काम कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे हाथ रखूँगा ऊपर में, सेंसर के ऊपर में, ये जो है ग्रीन हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से आप चेक करें अगर आप सेकेंड हैंड फ़ोन ले रहे हैं सैमसंग का। तो और एक बात मैं और बता दूँ कि ये जो ट्रिक मैंने बताई है केवल और केवल सैमसंग फ़ोन के लिए है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।